Good morning, children. Today we learn EVS subject. Okay. In EVS subject, open page number 103. हमने 102 यानी यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया है. आई होप आपने ये एक्टिविटी कंप्लीट कर दी होगी. ओके. अभी नाउ वी स्टार्ट. यहाँ से हमको स्टार्ट करना है कि कंप्लीट द ब्लैंक्स करेक्टली. ओके. यानी जो ब्लैंक्स दिया हुआ है मैडम ने फिल करके रखा है. ये जो ब्लैंक्स है ना उसको हमको फिल करना है. यानी ये ह्यूमन ग्रोथ की साइकिल है. तो फर्स्ट यहाँ पर लिखा है इन्फंट. आपको ये सारे स्पेलिंग लर्न करने हैं. मैडम एक बार देगी आपको इन्फंट. इन्फंट के बाद क्या होता है चाइल्ड में कन्वर्ट होता है. इन्फंट ग्रो होकर क्या बनता है चाइल्ड. तो यहाँ पर हमको लिखना है चाइल्ड. ओके. अभी चाइल्ड स्लोली स्लोली ग्रोथ होकर होता है टीनेजर. ओके. तो यहाँ पर हमको लिखना है टीनेजर. ओके. अभी टीनेजर स्लोली स्लोली ग्रोथ होता है तो किसमें कन्वर्ट होता है एडल्ट में. तो एडल्ट हमको दिया हुआ है. तो एडल्ट धीरे धीरे ग्रोथ होकर किसमें बढ़ते हैं ओल्ड. उनको क्या बोलते हैं हम ओल्ड. ओके. तो आपको ये ब्लैंक्स लिखनी है. जिसको कर्सिव आती है वो कर्सिव में लिखेगा. जिसको नहीं आती है वो सिंपल स्पेलिंग में लिखेगा. ओके. अभी मूव. ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. यानी जैसे ह्यूमंस की ग्रोथ होती है वैसे ही प्लांट्स एंड एनिमल्स वो भी लिविंग थिंग्स में ही आते हैं. ओके. तो हम अभी ये देखते हैं. तो यहाँ देखो मैडम स्लोली स्लोली पढ़ रही है. सीड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इनटू सैपलिंग्स. ओके. सैपलिंग्स में ग्रो होते यानी छोटी सी ब्रांच. जो छोटी सी ब्रांच सीड्स को हम ग्रो करते आफ्टर 1 week और 2 or 3 days के बाद जो छोटा सा ग्रो होकर जो प्लांट छोटा सा बाहर आता है उसको सैपलिंग बोलते हैं. तो सैपलिंग ग्रो इनटू प्लांट्स. अभी सीड्स से सैपलिंग में कन्वर्ट हुआ. सैपलिंग से ग्रो होकर वो प्लांट में कन्वर्ट होता है ऑफ डिफरेंट साइज. यानी प्लांट में कोई साइज फिक्स नहीं होती है. वो जैसे उसका सीड्स का होता है वो कौन सा प्लांट है उसके ऊपर डिपेंड होता है उसकी ग्रोथ साइज. ओके. एग्जांपल ग्रास है. अभी ग्रास है तो ग्रास तो ट्री जितना तो होगा नहीं. ओके. तो वो ग्रास अकॉर्डिंग ग्रास के साइज के हिसाब से ही होगा. एंड श्रब्स और ट्री यानी जो प्लांट होता है ट्री होता है उसको हम श्रब्स भी बोल देते हैं. यानी प्लांट छोटा सा जो प्लांट होता है ना हम घर में हम लोग जो प्लांट्स लगाते हैं वो. और जो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं कि जो ट्री में कन्वर्ट होते हैं. ओके. अभी ये हमने प्लांट्स का ग्रोथ देखा. ओके. उसमें सीड्स के बाद सैपलिंग के बाद प्लांट वो ग्रो होता है और वो ट्री में कन्वर्ट होता है आइधर वो प्लांट में कन्वर्ट होता है. अभी एनिमल्स का. यंग ऑफ एनिमल्स आल्सो ग्रो इनटू बिग एनिमल्स. यानी यंग ऑफ एनिमल्स यानी जो छोटे बेबीज होते हैं एनिमल्स के जो छोटे बेबी है उसको यंग एनिमल्स बोलते हैं. यंग ऑफ एनिमल्स आल्सो ग्रो इनटू बिग एनिमल्स. यानी जो यंग वंस होते हैं वो ग्रो होकर वो किस में कन्वर्ट होते हैं बिग एनिमल्स बन जाते हैं. लाइक अ किटन ग्रोज इनटू कैट. तो किटन होती है वो ग्रो होती है तो वो कैट बनती है. अ चिक बिकम्स अ हैन. चिक होता है वो ग्रो होकर हैन बनता है. यहाँ पर पिक्चर में हमको दिया हुआ है. एंड बिकम ओके अ पपी बिकम्स अ डॉग. तो जो पपी होता है वो बिग होकर क्या बन जाता है ग्रो होता है तो वो डॉग बनता है. उसमें दो ही स्टेज दिए हुए हैं. एंड बिकम अ काफ. अ काफ बिकम अ काउ. जो काफ यानी बेबी काउ होती है उसको हम काफ बोलते हैं. वो बड़ा होकर क्या बनता है काउ बनता है. तो ये ह्यूमन साइकिल है ग्रोथ साइकिल है. ये एनिमल्स और ये प्लांट्स की ग्रोथ साइकिल है. नाउ मूव. टाइम टू आंसर. यानी हमको इसमें आंसर देना है. मैच द यंग विथ देयर ओल्ड वंस. यानी जो बेबीज है उसको उसकी यंग ओल्ड वन के साथ हमको मैच करना है. तो फर्स्ट है चिक. तो चिक यहाँ पर देखिए.
चिक्स, तो चिक ग्रो होकर क्या बनता है, हैन, तो वेर इज हैन, हियर इट इज, तो ज्वाइन इट. काफ, तो काफ बड़ा होकर क्या बनता है, काओ, तो वेर इज काओ, काओ, तो ए के साथ. एंड सैपलिंग्स बड़ा होकर क्या बनता है, ट्री, सैपलिंग मीन्स स्मॉल प्लांट. ओके, ये आपको याद रखना है. अभी पेज नंबर 104 पेज टर्न कीजिए, उसमें आएगा डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पर, ग्रोथ, इन्फंट, टीनेजर, एडल्ट, इसकी डेफिनेशन दी हुई है, तो हमको वो डेफिनेशन देखनी है. तो फर्स्ट है ग्रोथ, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग लार्जर और लॉन्गर. तो ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग लार्जर और लॉन्गर. ओके, यानी एंड देन इन्फंट, अ न्यू बॉर्न बेबी अप टू 1 or 2 years ऑफ एज. इन्फंट, तो इन्फंट किसको बोलेंगे, जो न्यू बॉर्न बेबी है और जो 2 years के चाइल्ड है, 1 or 2 years के जो चाइल्ड होते हैं उनको हम इन्फंट में काउंट करते हैं. टीनेजर, तो टीनेजर कैसे कहेंगे, अ पर्सन फ्रॉम एज 13 to 19, उनको हम टीनेजर्स बोलते हैं. एडल्ट, अ फुल्ली ग्रोथ पर्सन. ओके, एडल्ट किसको बोलेंगे, अ फुल्ली ग्रोथ पर्सन, ये आपको याद रखना है. तो कभी भी एक्सरसाइज में भी या ब्लैंक्स में भी पूछते हैं कि अ प्रोसेस टू बिकम अ लार्जर टू लॉन्गर इज ब्लैंक, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रोथ बोलेंगे, कि जो लार्ज होता है और लॉन्ग होता है वो जो प्रोसेस होता है ना, उनको हम ग्रोथ बोलेंगे. अभी यहाँ पर देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रोथ, यानी लिविंग थिंग्स जो भी होती है वो ग्रोथ करती ही है, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ नहीं करती है. ह्यूमन बीइंग ग्रो फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड विद टाइम. ओके, एंड देन सीड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इनटू ट्री, यानी सीड्स जो होते हैं वो ट्री में कन्वर्ट होते हैं. ओके, ह्यूमन बीइंग्स किस में, चाइल्डहुड, एडल्टहुड में, यानी बड़े होते हैं और वो ऐसे ग्रोथ करते ह्यूमन बीइंग्स, और सीड्स ट्री में कन्वर्ट होते हैं. यंग ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू बिग एनिमल्स विथ टाइम, यानी जो एनिमल, जो हमने यहाँ पर जो सीखा ना ये वाला, वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी बिग एनिमल में स्लोली स्लोली जाते हैं, ये सब फटाफट नहीं होता है, वो टाइम लेता है. आप एक ही दिन में बड़े हो जाते हो नहीं, आप धीरे धीरे होते हो, बहुत स्लो है. अभी यहाँ देखो, लेट अस प्रैक्टिस, इसमें यहाँ देखो, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसमें हमको अभी देखो. फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमको दिया था. ओके, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज, यानी ग्रोथ की प्रोसेस कैसी होती है, अभी इसमें से हमको फाइंड करना है. तो फर्स्ट है इन्फंट लिखा है, INFANT, इन्फंट, रिंकल, स्लो एंड सैपलिंग. ओके, तो इसमें से कौन सी मैच होती है, स्लो. तो द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज, तो राइट इट हियर, स्लो. ग्रोथ की प्रोसेस कैसी होती है, स्लो होती है. सेकेंड, ए और एन, ब्लैंक कैन नॉट टॉक. ओके, तो कौन कौन टॉक नहीं करता है, इन्फंट. ओके, यहाँ पर यहाँ देखना, आपका जो हमारा जो लेसन चलता है ना यहाँ पर, तो न्यू बॉर्न चाइल्ड हु कैन नॉट टॉक. ओके, बराबर, तो कौन बोल नहीं सकता है, एन, इन्फंट, यहाँ पर फिर एन आएगा, एंड, और इन्फंट कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ पर लिखना है इन्फंट. आपने ए और एन का यूज़ सीखा है ना. अभी नेक्स्ट, ए और एन, अभी ये जहाँ यहाँ जो आंसर होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा कि यहाँ पर क्या आएगा. ब्लैंक ग्रोथ इनटू अ बिग ट्री,
तो कौन ग्रो होकर बिग ट्री में बनता है? तो सैपलिंग्स। ओके, तो यहाँ पर हमको आपको जब भी ना पता चले ना तो यहाँ पर देख लेना है, ओके, कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर आएगा सैपलिंग। ओके, द स्किन ऑफ एन ओल्ड पर्सन गेट्स, यानी ओल्ड पर्सन की स्किन कैसी हो जाती है? तो यहाँ पर कौन रहा, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये क्या है, रिंकल्ड, WRINKLED। तो यहाँ पर आपको लिखना है। मैडम कहाँ भी है ना, मैडम ने एक हाथ में, यानी मैडम वीडियो भी ले रही है ना, तो मैडम के हाथ हैंडराइटिंग आपको अच्छे निकालने हैं, हैंडराइटिंग। ओके, अभी यहाँ पर पेज नंबर 105 यहाँ देखिए, टिक, ये साइन राइट की है, टिक राइट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड पुट अ क्रॉस, ये क्रॉस की है, नेक्स्ट टू द रॉन्ग स्टेटमेंट, जो रॉन्ग है उसके सामने हमको रॉन्ग की साइन करनी है और जो राइट है उसके सामने हमको राइट की साइन करना है। अभी फर्स्ट है, एनिमल्स डू नॉट ग्रो, एनिमल ग्रो नहीं कर सकते, ये राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है, एनिमल्स ग्रो करते हैं ना, तो हमको यहाँ पर करना है क्रॉस। A newborn child is called youth. बबर अभी अच्छा, A newborn child is called youth. तो newborn child क्या कहलाता है? Infant कहलाते हैं, तो ये भी wrong है। Next, the skin of a very old person get wrinkled. The skin of a वेरी ओल्ड पर्सन गेट्स रिंकल, यानी जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनकी स्किन कैसी होती है? रिंकल होता है। दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग? यस राइट, तो यहाँ पर राइट करना है। सीड्स ग्रो इन टू सैपलिंग्स, यानी सीड्स होता है वो छोटे से प्लांट में कन्वर्ट होता है, इज दिस राइट? यस वो राइट है। A child growth into an infant. A child growth into an infant. यानी child होता है वो infant में convert होता है, कि infant child में होता है, first infant आता है then after child, तो ये sentence wrong है। See, circle the correct answer. हमको correct answer में circle करना है। All living things and non-living things grow. अभी यहाँ पर दो वर्ड दिए हुए, हमको उसमें से कोई जो राइट है उसके ऊपर ही सर्कल करना है। तो all things grow, तो कौन सी चीज़ ग्रो होती है, लिविंग थिंग्स की नॉन लिविंग थिंग्स? तो लिविंग थिंग्स, तो हमको लिविंग थिंग्स के ऊपर सर्कल करना है और ये सारे स्पेलिंग आपको लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट, यंग ऑफ एनिमल्स बिकम एनिमल्स, तो यहाँ पर दो है, बिग एंड स्मॉल, तो हम जैसे कि ब्लैंक होते हैं ना, ब्लैंक, तो यंग ऑफ एनिमल्स बिकम ब्लैंक एनिमल्स, तो बिग और स्मॉल, तो बिग होते हैं, तो यहाँ पर बिग पर सर्कल करना है। अभी नेक्स्ट, फोर्थ, अ चाइल्ड ब्लैंक वॉक, अभी कैन और कैन नॉट, अ चाइल्ड कैन वॉक, चाइल्ड है ना, वॉक कर सकता है। ए और एन यंग और ओल्ड पर्सन हैज ग्रे हेयर, किसके हेयर ग्रे हो जाते हैं, किसके होते हैं ग्रे? यहाँ पर देखिए, यहाँ देखो, द स्किन गेट रिंकल एंड हेयर टर्न्स ग्रे, तो किसके हेयर ग्रे हो जाते हैं? ओल्ड पर्सन के। ओके, अभी डी, अभी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं और पीछे हमारी एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर मैडम क्वेश्चन आंसर आपको लिख कर तो देगी ही, आपको फ़ोटो क्लिक करके देगी, और ये एक्टिविटी है वो हम फिर करेंगे। अभी मैडम फटाफट आंसर, क्वेश्चन आंसर आपको दिखा रही है, बट कैसे हमको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं वो मैडम आपको दिखाएगी। वॉट फर्स्ट क्वेश्चन इज़, वॉट नेम इज़ गिवन
गिवन टू अ यंग वन ऑफ अ काउ, यानी काउ के यंग वन यानी काउ के बेबी का नाम क्या है, तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर देखो काउ के बेबी का नाम काफ, तो यहाँ पर काफ, बट आंसर इज काफ, बट दैया कहते अ यंग वन ऑफ काउ। यहाँ पर देखिए व्हाट नेम इज गिवन टू अ यंग वन ऑफ अ काउ, तो यंग वन बेबी का नाम क्या है, काफ। विच एनिमल डज अ किटन ग्रो इनटू, तो किटन में से कौन सा एनिमल ग्रो होता है और बड़ा कौन सा एनिमल होता है, कैट, सी ए टी कैट। देखो यहाँ पर कहाँ गया किटन, बड़ा होकर क्या